अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनीस ग्लूटेन फ्री किचन। आज मैं आपके साथ सब बच्चों और बड़ों के फेवरेट पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट विद इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम यहाँ पे पास्ता बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पॉट में पानी डाल के रखा है और अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। इससे स्टिकी नहीं होगा पास्ता। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड करते हैं। पास्ता आप कोई भी ले सकते हैं, जिस शेप का भी आपको पसंद है और या जिस ब्रांड का भी, जो भी आपका दिल चाहे वो आप ले सकते हैं। पास्ता हमारा बॉयल हो रहा है, इसको हमने फुली कुक करना है। पास्ता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे फ्रेशली चॉप गार्लिक। आपने इसमें पेस्ट यूज़ नहीं करनी, ये तकरीबन 3 क्लोव्स हैं। इसको लाइट सा फ्राई करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने तकरीबन 2 ब्रेस्ट फिलेट्स लिए थे और इसको बहुत बारीक इस तरह से काट लिया। इसको अब हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना। चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे इसके अंदर हम ये कैरेट्स ऐड करेंगे। ये सारी वेजिटेबल्स और चिकन मैंने इस शेप में काट लिया। आप जिस शेप में चाहें इसको काट सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर आप मैक्रोनीज बना रहे हैं या आप कोई और पास्ता बना रहे हैं तो आप इसी शेप की काट सकते हैं, छोटी भी काट सकते हैं। अब इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर तकरीबन हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। इसको लाइट से फ्राई करने के बाद हम इसको बिल्कुल स्लो आंच करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि कैरेट्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। फिर बाकी की वेजिटेबल्स हम इसमें बाद में ऐड करते हैं। कैरेट्स को हमने तकरीबन 2-3 मिनट्स के लिए ढक के रख दिया था, ये बहुत हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इनको हम तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं। अब इसके अंदर हम कैप्सिकम ऐड करते हैं। ये मैंने 2 कलर की ली हैं, ग्रीन भी है और येलो भी। आपको जो भी पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप इसमें ब्रोकली भी ऐड कर सकते हैं या कोई भी और वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। बहुत हल्का सा, इनको सॉफ्ट नहीं करना और इनको हम लो आंच पे नहीं बनाएंगे वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे और पानी छोड़ देंगे। इसमें वेजिटेबल्स क्रंची भी अच्छी लगती हैं। इनको 1-2 मिनट तकरीबन हमने तेज़ आंच पे फ्राई किया। अब इसके अंदर हम कैबेज ऐड करेंगे, बंद गोभी, और इसको जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। कैबेज डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे फ्राई किया। अब ये लाइट सा सॉफ्ट हो गया। अब ये देखें कि सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर बिल्कुल सेपरेट हैं और बहुत क्रंची से बिल्कुल अलग हैं। इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना क्योंकि ये पानी छोड़ देंगे। अब इस टाइम पे इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देते हैं। पास्ता मैंने ड्रेन करके रखा था। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सेपरेट है क्योंकि इसमें हमने जो ऑयल डाला था उसकी वजह से, वरना ये स्टिक हो जाता है। तो ऑयल आपने इसको बॉईल करते हुए ज़रूर ऐड करना। इसमें डाल के मिक्स कर देते हैं। पास्ता को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप इसको टेस्ट कर लें इस टाइम पे। अगर आपको लगे, आप इसमें सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर भी। अगर आप और स्पाइसी करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर लें आराम से। हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आपने देखा हमारा पास्ता कितनी जल्दी कुक हो गया है।
आप चाहें तो इसमें इस टाइम पे केचप या कोई भी अपनी पसंद की सॉस ऐड कर लें, ये हर तरह से ही बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।